एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल डेली टॉक्स विद सृष्टिमा। तो गाइज, आज है भैया दूज, तो आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग के यहाँ पूजा वगैरह होती होगी, हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, तो बस बच्चे जो है टीका वीका करते हैं, तो अभी बस वही होगा। तो मैंने कहा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और बस मैं अब किचन में, अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, बज गए हैं 9:15 और ब्रेकफास्ट बन गया है, बट अभी किसी ने किया नहीं है। तो चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे बाद में। ओके, बाय बाय गाइज। यहाँ पे मैंने शिवाय को रेडी कर दिया था नहला धुला के, और फिर उसको ब्रेकफास्ट मैंने करने को दे दिया था। हम लोगों ने नहीं किया था, बट उसको दे दिया था कि कर ले, फिर बच्चों के साथ खेलने में लग जाएगा तो फिर नहीं करेगा। तो बस वही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके हैंड वॉश कर रहा था, उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। और यहाँ पे देखिए, दो तीनों मिलके मस्ती करने लगते हैं, जैसे ही मिलते हैं मस्ती करने लग जाते हैं, फिर कुछ नहीं सुनते हैं। तो बस वही, ये मेरी जेठानी है, तो वही बोल रही थी कि चलो पहले टीका लगा लो उसके बाद खेलना, क्योंकि ये लोग खेलने लग जा रहे थे तो फिर सुन ही नहीं रहे थे। तो बस भाई, यहाँ पे टीका ये लोग लगाएंगे। हम लोग के यहाँ जो भैया दूज की पूजा होती है वो नहीं हो की जाती है, सिर्फ टीका लगाते हैं बच्चे और नहीं, तो कुछ रीज़न था जिस वजह से नहीं होती है। तो बस यहाँ पे लोग देखिए टीका लगाने के लिए, मैं बोल रही हूँ बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, पर बड़ी मुश्किल में तो तीनों को बैठाओ, एक साथ होते हैं तो तीनों सुन ही नहीं सकते कोई भी बात। तो बस ये यहाँ पे एनी टीका लगाने लग रही थी शिवाय को। शिवाय बहुत देर से परेशान थे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो फिर चलते हैं, क्योंकि फिर तो 2-3 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है फिर। तो बस वही चल रहा था यहाँ पे, और आप लोग भी इंजॉय करते रहिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को जो है सपोर्ट करते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें जो लोग, और जो पुराने हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को जो है शेयर कर दें, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें मेरे वीडियोस पे। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे छोटी वाली भी मन्नू, वो भी जो टीका लगाई, पहले नहीं लगा रही थी, मैं नहीं करूँगी, और उसके बाद फिर कर रही थी। यहाँ पे देखिए शिवाय अपना गिफ्ट दे रहे हैं अपने सिस्टर्स को, ये देखिए यहाँ पे बस ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं सुनते हैं ये सब। तो मैंने यहाँ पे वॉइस म्यूट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना, मतलब आवाज़ आ रही थी तो कुछ सुनाई नहीं देता। और एक तो पीछे जो बगल वाला घर है वहाँ पे गाय है एक, तो वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि आवाज़ कुछ आए सुनाई नहीं देती, बस गाय की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है। तो ये देखिए लोग पिक्स क्लिक करवा रहे थे, पिक्स भी बड़ी मुश्किल में क्लिक करवाते हैं तीनों बस। और यहाँ पे इन तीनों में से डिफरेंस है, देखिए छोटी वाली जो है वो और शिवाय में डिफरेंस है 1 साल का, और बड़ी वाली जो है इसका 5 साल का, 4.5 साल का डिफरेंस है शिवाय से। तो बट लगता नहीं है इतना ज़्यादा डिफरेंस, इसका और शिवाय का ही बहुत ज़्यादा पड़ती है इन दोनों की। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर खेलने लग रहे थे ये लोग, चाय पार्टी कर रहे थे कि हम लोग चलो टी पार्टी करते हैं। तो बस ये लोग खेल रहे थे, फिर हम लोग भी बैठे थे गाइस। उसके बाद काफ़ी देर बाद हम लोग नीचे आए थे, बीच का नहीं किया था फिर मैंने। तो यहाँ पे देखे शिवाय की पिक्स 2-4 ले ली थी, और शिवाय बोल रहा था मेरी पिक्स ले लो यहाँ पे, बड़ी मुश्किल में तो नीचे आया था। फिर देखे यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था जब, तो फिर मैंने खाना बना लिया था नीचे आने के बाद। यहाँ पे देखे मैंने खीर बनाई है और दम आलू बनाए हैं, यहाँ पे छोले पनीर ये सबसे खा खा के जी उग गया था, तो मैंने दम आलू बनाए, दही बड़े थे, और ये हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने खाना सबका निकाल दिया था कि अब सब लोग खा लें, 2 बज गए थे। तो बस नीचे आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो फिर हो गया था टाइम, उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर यहाँ पे देखिए मैं चाय पी रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 4:30, तो मैंने चाय बनाई थी और मेरे हस्बैंड भी पी रहे थे, वो शायद बाहर कुछ कोई आया था तो वहीं पे थे। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अभी शाम हो गई है और बज गए हैं, कितना बज रहा है, बज गए हैं 6:45, और यहाँ पे देखिए अंधेरा हो चुका है 6:45 बजे।
ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला रह गया है, लाइट जल चुकी है सब बाहर की। और शाम दिन में हम लोग सो गए थे दोपहर में खाना वगैरह खा के, तो इतनी जल्दी नींद आ जाती। मैं सोचती हूँ कुछ एडिटिंग करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, बट नींद आ जा रही है। ये दिवाली की सफाई और इन सब की थकान है, तो जैसे लेटती हूँ वैसे ही नींद आ जा रही है। रात में भी वही हो रहा है और दिन में भी। तो आज बस, तो अभी उठी थी, जब उठ गई थी मैं 4 बजे, उसके बाद चाय वगैरह बनाई। शिवाय भी उठ गया है, उसने भी दूध वगैरह पी लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा ऐसे टहल के आते हैं यहीं पे, और बस फिर आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए शिवाय ने भी स्वेटर पहन रखा है, ठंडी आ गई है लग रहा है शिवाय को देख के। चलिए मैं आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय 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 गाइज। यहाँ पे हम लोग घर से निकले थे ऐसे ही पैदल पैदल टहलने के लिए, कि 2-3 दिन 4 दिन से ऐसे ही मतलब फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो बस ऐसे ही घर में थे, तो थोड़ा सा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं पैदल पैदल। उसके बाद बाहर हम लोग जाते हैं तो शिवाय के गोलगप्पे तो ज़रूर खाते हैं। शिवाय अभी अभी शिवाय का टेस्ट ज़रा गोलगप्पे पे आ गया है, मतलब वैसे गोलगप्पे नहीं खाता था, अब थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो मीठे वाले गोलगप्पे दही वाले उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़िद करता है कि अब बाहर आए हैं तो खाने ही हैं। तो वही बस ये शिवाय को खिला रहे थे, अपने आप तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऐसे ही, फिर हम लोग अपने लिए, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी खा लेते हैं, तो जब हम लोग खाने लग। हेलो गाइस, अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे, टहलने आए थे बाहर। देखिए अभी अंधेरा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन है अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं, और बस अभी लग रहा है कि रात हो गई है। तो हम लोग आए थे टहलने के लिए, ऐसे ही निकले थे, तो फिर शिवाय को गोलगप्पे तो खाने होते हैं, तो लोग भी खा ले रहे हैं। तो चल वही मैंने कहा कि चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये है एक बस स्टैंड है। गाइस मैंने यहाँ पे गोलगप्पे खाए थे पानी वाले, तो बड़े तीखे लग रहे थे मुझे, और वैसे मैं खा लेती हूँ तीखा, बट आज बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं वापस, तो बहुत अंधेरा है यहाँ पे रोड पे, तो थोड़ा हम लोग आगे चले आए थे। तो यहाँ पे एक जगह रुक गए थे मोहल्ले में ही, मैंने कुर्ती दे रखी थी दिवाली से काफ़ी पहले, तो वही मैं ले रही थी। मैंने कहा कि चलो पूछ लेती हूँ है या नहीं है, तो फिर मुझे मिल गई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो वो लेते हुए चलते हैं। रास्ते में हमेशा भूल जाती हूँ, निकल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता, तो वही मैंने ले ली थी। फिर यहाँ पे शिवाय को अपना देखिए क्रैक्स वगैरह चिप्स वगैरह उनको लेना था, बच्चों का तो यही रहता है कि निकलेंगे तो कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, तो बस वही हम लोग आ गए थे घर। ये देखिए यहाँ पे शिवाय और उसके पापा सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हैंड, बस यही कर रहे थे। उसके बाद देखिए शिवाय की मस्ती चालू रहती है और कूद रहता है इधर उधर। हेलो, हाँ जी, हम लोग आ गए हैं वापस बाहर से टहल वहल के, और वहाँ पे अभी बज गए हैं 8 और 1 घंटे हो गया हम लोगों को, 1 घंटे से ज़्यादा, ये 8 नहीं बजा, ये घड़ी है स्लो, तो शायद ये गड़बड़ है। अभी बज रहा है 7:15, अभी 7:15 ही हो रहा है इस घड़ी में जो है। शिवाय यहाँ आओ। शिवाय ऊपर जाने के लिए रो रहे हैं और घूम के आ गया उसके बाद भी, तो वही यहाँ पे देखिए मेरी घड़ी हो गई है स्लो, इसलिए इसमें 8 बज रहे हैं, इसमें सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अभी कल ही इसको कुछ हो गया है, तो इसमें सेल वेल डाल देंगे तब सही होगा। देखिए शिवाय रो रहे हैं यहाँ पे, ऊपर जाने के लिए रोते रहते हैं। शिवाय ने गोलगप्पे भी बहुत सारे खाए हैं मीठे वाले, उसके बाद भी शिवाय रो रहे हैं। देखो शिवाय मुझे भी दे देना, शिवाय मुझे भी दे दोगे? हाँ। इधर देखो क्या लाए हो, क्रैक्स है और लॉलीपॉप। और किसके लिए लाए थे? और दीदी मनु के लिए। दीदी मनु कौन है? दीदी मनु मेरी छोटी बहन है और मुझसे भी बड़ी बहन है। अच्छा चलो ठीक है, बाय कर लो, बाय। गाइस मैं अपने वीडियो को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।